वंदे मातरम प्यारे साथियों, चलिए जिस प्रकार से हमारी HSC CET से रिलेटेड हरियाणा जीके की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चली हुई है 1000 प्लस प्रश्नों की, जिसका प्यारे साथियों एक भाग हम पहले से डाल चुके हैं, आज ये भाग नंबर इसका सेकंड रहेगा। तो चलिए क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने, भारत का बुनकरों का शहर हरियाणा राज्य के किस जिले को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो याद रखेंगे पानीपत जिले को। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा राज्य को कितने डिवीजनों में विभक्त किया गया है? हरियाणा को प्यारे साथियों कितने डिवीजनों में? 6 डिवीजनों में बांटा गया है। ये डिवीजन कौन कौन से प्यारे साथियों? अंबाला, इसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद। इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, घर कैफे, जी से आप याद रख सकते हैं गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, ए से करनाल, एफ से फरीदाबाद। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, इस कारण किस जिले को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे किसे प्यारे साथियों? करनाल को। प्यारे साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपने अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, और इन सभी की जो PDF है अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे हमने शेयर कर दिए, वहां से आप इजीली इनको चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो प्यारे साथियों, हरियाणा में बुनकरों का शहर कौन सा जिला रहेगा? पानीपत। हरियाणा राज्य में कितने डिवीजन है? 6 डिवीजन, अंबाला, इसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद। और हरियाणा के किस को धान का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखें करनाल जिले को। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर रहेगा साथियों? नारनौल के अंदर। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ प्यारे साथियों? 21 नवंबर 1967 को। हरियाणा में प्यारे साथियों राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो याद रखेंगे 3 बार। पहला आपका 1967, सेकंड 73 और तीसरा आपका 91-91 के अंदर। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो याद रखेंगे पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी किस वर्ष बना था? तो याद रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1843 ईस्वी को। हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन रहेंगे साथियों? धर्मवीर। और साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है? हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो कौन रहेगा साथियों? भगवत दयाल शर्मा। तो वर्तमान में कौन है प्यारे साथियों? मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत सिंह चौटाला। हरियाणा राज्य की भैंस की नस्ल जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है तो कौन सी रहेगी साथियों? याद रखेंगे मुर्रा। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1937 ईस्वी में। और हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेश में किया जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे लिबर्टी जूतों का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा राज्य की कौन सी भैंस की नस्ल पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे मुर्रा। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में किया जाता है? तो याद रखेंगे लिबर्टी के जूतों का। नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे केलंगा गांव। और ये कहाँ पे है? रोहतक जिले में। हरियाणा केसरी के नाम से कौन विख्यात है? पंडित नेकीराम शर्मा जी। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो याद रखेंगे तुलसीदास शर्मा दिनेश की। अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे बादशाहपुर। और ये बादशाहपुर कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले में। कौन भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्री रहे? तो याद रखेंगे अयोध्या प्रसाद गोयलिया। हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि थे? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे हिंदी। चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो याद रखेंगे चौटाला गांव। और ये कहाँ पे है? सिरसा जिले में। हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का इतिहास व हरियाणा की नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखेंगे पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? तो याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1899 में। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो याद रखेंगे झज्जर जिले में। दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ? तो याद रखेंगे झज्जर में। किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे राय बहादुर लाला मुरलीधर को। क्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे बाबा सर्वनाथ ने। फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में है? तो याद रखेंगे अंबाला जिले में। हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कहाँ पर है प्यारे साथियों? फरीदाबाद जिले में।
एस्कॉर्ट ट्रैक्टर व कैल्विनेटर का निर्माण कहाँ पे होता है? तो याद रखेंगे फरीदाबाद जिले में। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे बाबू आनंद स्वरूप। तो प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजदूत मोटरसाइकिल की फैक्ट्री फरीदाबाद जिले में, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर व कैल्विनेटर का निर्माण फरीदाबाद जिले में, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप। तो प्यारे साथियों आज के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी को कैसे लगे और आपका इन 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।